घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो। इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भरकर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो। अपने मन का भाव रख, सात पांच मिनट बैठ गए शिव मंदिर में, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है, घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो, क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने आज की वीडियो में हमें बताया, अगर आपके घर में कोई चिड़चिड़ापन करता है या किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, कलेश ज़्यादा होता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। एक बेलपत्र का उपाय है, कैसे चढ़ाना है, कब करना है, कैसे करना है, आज की वीडियो में हमने गुरुजी से जाना, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इससे 10-5 मिनट में क्रोध शांत हो जाएगा और कलेश मिट जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।